राधे राधे एवरीवन। तो लड्डू गोपाल की इस तरह की कुशन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो कलर की ऊन ले ली है और बहुत ही प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल के कुशन बन करके तैयार हैं। तो देखिए हमारे लड्डू गोपाल का ये बेड है और इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है कि किस प्रकार मैंने ये बेड बनाया है। और देखिए बहुत ही सुंदर से ये दो कुशन बनाए हैं मैंने लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि सर्दियों में गर्म रहें और कॉटन की जो पिलो होती हैं उनके कवर होते हैं वो थोड़ा ठंडा लगते हैं। जिस प्रकार हम सर्दियों में गर्म बिस्तर पर सोते हैं और गर्म रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मैंने लड्डू गोपाल के लिए भी दो कुशन बनाए हैं। अभी पिलोज बनाना बाकी है, तो जो प्लेन कुशन थे वो मैंने इसके अंदर कर दिए हैं और ये यहाँ पर जितना मैंने ओपन रखा है उतना ही मैं इसको ओपन भी रखूँगी। तो एक लूप बना लेंगे और मैंने यहाँ पर पांच फंदे लिए हैं, पहले पांच यानी चैन बना करके उसको हम क्लोज़ कर देंगे और उसमें अंदर हमें 11 से 12 फंदे आप अंदर बना सकते हैं। तो मैंने 11 से 12 इसमें चावल जो बना करके तैयार करते हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद में फिर जब सेकंड राउंड हम बनाएंगे तो उसमें हर में से दो फंदे हमें लेने हैं, यानी डबल कर लेना है। अगर 11 से 12 अगर आप बनाते हैं तो उसका आप फिर आप 22 से 24 आप उसमें हो जाएंगे डबल जब आप करेंगे। तो उस तरीके से हमें दूसरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। जब हम थर्ड लाइन बनाएंगे और येलो की हमें थर्ड लाइन ही बनानी है। आप अपने इच्छा अनुसार कोई भी कलर ले सकते हैं और बहुत बन करके बहुत ही सुंदर सा ये कुशन बन जाता है, तैयार हो जाता है और कलर कॉम्बिनेशन भी ये अच्छा है, येलो और पिंक। तो मेरे पास जो ऊन थी मैंने वही उसी से बनाया है, अलग से मैं कोई भी चॉइस करके ऊन मार्केट से नहीं लेकर के आई हूँ। तो मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप मार्केट से जा कर के ऊन ले करके आइए, जो भी आपके पास है आप पहले उससे ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगे तो आप फिर से और भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब पिंक कलर की हम लाइन बनाएंगे तो हमें वो सिंगल वाला लेना है। तो देखिए अगर आपकी ऊन जो है बराबर है येलो और पिंक तो आप चार सादा बनाइएगा फंदे, उसके बाद जब पांचवा बनाएंगे तो उसमें से दो बार ले लीजिएगा। इसी तरीके से आप पूरी रो यानी लाइन कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये जो ऊन है पिंक कलर की वो थोड़ा येलो वाली से मोटी है तो मुझे बनाने की डबल ज़रूरत नहीं पड़ी है। और इस तरीके से हमें दोनों को सिल देना है यानी क्लोज कर देना है। तो एक ऊपर जो लाइनिंग आएगी वो सांकड़ी बनकर यानी इस तरीके से चैन सी बनकर के तैयार हो जाएगी। और जो मैंने यहाँ पर कुशन पहले बनाए थे जो वेलवेट के हैं उनको मैं इस तरीके से इसमें अंदर रख दूँगी और सर्दियों में इनको हम जो अंदर वाले जो कुशन हैं उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे और सर्दियों में ये जो हमने ऊन के बनाए हैं उनको इस तरीके से इस पर कवर चढ़ा देंगे और बहुत ही सुंदर सा लड्डू गोपाल का कुशन बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हम ऊपर से सांकड़ी बना देंगे, इनको जब क्लोज करते हैं तो साकड़ी बहुत ही सुंदर सी बन के ऊपर के यानी चैन बन करके तैयार हो जाती है और उससे बहुत ही सुंदर सी फिनिशिंग भी दिखती है। तो हमें इतना यहाँ पर क्लोज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर वो चिट बटन होते हैं वो हम लगा देंगे, जिससे लड्डू गोपाल के ये जो कुशन है अगर गंदे हो जाते हैं हमें कभी निकालना पड़े तो उनको आसानी से निकाल करके उनको वॉश कर सकें। और यहाँ पर हमें अब ईयर बनाने हैं यानी कान बनाने हैं, जिससे अच्छा सा लुक लगे लगे ये हमने एकदम से रैबिट के आकार से बनाए हैं। तो बहुत ही सिंपल से मैंने यहाँ पर पांच से छह फंदे ले सकते हैं आप और दो दो फंदे निकाल करके हमें ये पूरी ये जो हमने एक साथ बनाए थे कंगूरा टाइप का और इसको क्लोज कर देंगे। और फिर से हमें जब हम लेंगे तो हमें वो फंदा जो है सला यानी क्रोसिया में से घुमाना नहीं है, सादा तरीके से इसको हम फिर से चार बना लेंगे। जब चार बनाएंगे तो अगली बार फिर हमें उसमें से तीन बनाने हैं, तीन बनाने के बाद में लास्ट में फिर हमें दो बनाने होते हैं, दो बनाने के बाद फिर एक बचता है तो उसको क्लोज़ कर देंगे। देखिए लास्ट में इस तरीके से बचेगा, उसको क्लोज़ करने के बाद में ऊन को हम अंदर ही दबा देंगे, उसमें छुपा देंगे जिससे अच्छे से फिनिशिंग दिखे। और दूसरा ईयर भी यानी कान हम बना लेंगे ठीक इसी प्रकार से। और तो जब बन जाएगा तो आप दिखाएँ आपको दिखाऊंगी मैं बहुत ही सुंदर सा ये लड्डू गोपाल के दो कुशन तैयार हो जाते हैं। और ब्लैक कलर की अगर आपके पास ऊन है तो आप उनकी आईज़ बना सकते हो, और आप चाहें तो मार्केट से जो आईज़ आती हैं और टेडी बियर वगैरह गुड्डे वगैरह में लगी होती हैं आप चाहें तो वो भी लगा सकते हैं रेडीमेड आईज़। पर मैंने यहाँ पर ऊन से ही ब्लैक आईज़ सुई में ऊन डाल करके इस तरीके से बना ली है, जो एक कढ़ाई बोलते हैं उसे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो सुई लेंगे तो उसमें हमें 11 इस तरीके से 11 बार इसको घुमाना है इसमें,
और थोड़ा ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हल्का सा हमें लूज रखना है जिससे आइस का एकदम से प्रॉपर गोल आ जाए वो और सांकड़ी सी बन जाती है। और इसको इस तरीके से हम घुमा करके बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्लोज़ करने के बाद में एक दो टाँके सुई से और लगा देंगे जिससे ये आइस एकदम से प्रॉपर वहाँ पर लगी रहे, इधर उधर ना उठे वो, निकले ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक आइस बना दी थी। उसके बाद में दूसरी भी आइस हमें ठीक इसी प्रकार बनानी है। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप चाहें तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं ब्लैक कलर के, बटन से भी वही लुक आता है। या आप मार्केट से ला करके आइस लगा सकते हैं। वीडियो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं किया है क्योंकि काफ़ी लोगों को देखकर ही ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। कुशन बहुत इजी है बनाना, कुछ नहीं करना है, बस हमें साकड़ी साकड़ी सादा सादा बस गोल गोल राउंड राउंड बनाने हैं। तीन येलो की लाइनें बनानी हैं और एक पिंक की लाइन बनानी है। आपके पास जो भी कलर है आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो हमें टोटल यहाँ पर चार लाइनें बनानी होती हैं और आपकी कुशन लड्डू गोपाल के लिए बन करके तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार लड्डू गोपाल की हमें कुछ फ्लो भी बनानी है, वो उसका भी वीडियो चैनल पर आएगा, पर अभी नहीं बना है। तो सोचा लड्डू गोपाल को हम न्यू ईयर का गिफ्ट भी दे देंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लड्डू गोपाल के लिए कुशन बना दी। जहाँ पर मैंने ओपन रखा है आपको मैंने वीडियो में बताया है, वहाँ पर मुझे चिट बटन लगाने हैं। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी या फिर बटन लगा सकते हैं सादा सा। तो मैंने वहाँ पर क्लोज़ करने के लिए इस तरीके से बटन लगाने हैं क्योंकि अंदर जो मैंने कुशन भरा है उसमें लगाया है, तो उसको मैं चाहूँ जब मर्जी आए वॉश कर सकूँ उसके कवर को, तो इसलिए। और आप देख सकते हैं लड्डू गोपाल की बेड की शोभा और भी ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल का बेड बन रहा है और लग रहा है। और साथ में ही हम बेड शीट भी बनाएंगे, चादर भी बनाएंगे, पिलोज भी बनाएंगे, तो जिससे लड्डू गोपाल का बेड पर और भी चार चांद लग जाएंगे। और अगर आपको कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे बहुत इजी है बनाना। जिन लोगों को क्रोशिया चलाना आता है वो बहुत आसानी से ये बना सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।